हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम हैं अभी साउथ ऑफ जर्मनी के एक छोटे से टाउन ओबरमगांव में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक विंटर वंडरलैंड है एंड इसीलिए ये एक स्की डेस्टिनेशन भी है। शायद मेरे कपड़ों को देख के आपको ये तो लग ही गया होगा कि हम यहाँ पे स्कीइंग करने आए हैं। सो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसा रहता है हमारा स्की का एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करते हैं ओबरमगांव को। ओबरमगांव सिचुएटेड है साउथ जर्मनी की बवेरिया डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल ऑस्ट्रियन बॉर्डर के पास एंड ऑल्सो जर्मनी की बहुत ही पॉपुलर स्की डेस्टिनेशन गार्मिश पार्टेनकिर्चन के पास। नाउ गार्मिश पॉपुलर है एडवांस स्की एंथुजियास्ट के लिए एंड ओबरमगांव है ज़्यादा सूटेबल फॉर बिगिनर्स लाइक अस एंड इसीलिए ये थी हमारी चॉइस अपनी स्किल्स को रिफ्रेश करने के लिए, जो कि अगर आपको याद हो हमने अक्वायर की थी लास्ट ईयर लेजे फ्रांस में। ओबरमगांव बाकी साउथ बवेरियन टाउन्स की तरह बहुत सुंदर है एंड यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं ये देखेंगे हम इस एपिसोड में। स्की एक्सपीरियंस को किक ऑफ किया हमने यहाँ से। सो इस स्की रेंटल शॉप से हमने हायर की हैं अपनी स्कीज, हेलमेट, स्की बूट्स और स्की पोल्स, बट ये सारा का सारा इक्विपमेंट हमें खुद ही कैरी करना पड़ेगा। So let's load it in the car. स्कीज कलेक्ट करके हमने बढ़ना शुरू किया यहाँ की स्की स्लोप्स की तरफ, जो कि ओबरमगांव के सेंटर से बहुत ही पास में है। अगर आपके पास स्की पास है तो यहाँ पार्किंग फ्री होती है एंड हाँ, यहाँ काफी जगह है कार को पार्क करने के लिए। तो अपनी कार को पार्क करने के बाद हमने पहना अपना स्की गेयर एंड बढ़े हम स्लोप्स की तरफ। यहाँ दो लेवल की स्लोप्स हैं, एक है इंटरमीडिएट लेवल की स्लोप जो है ये, अदरवाइज फॉर बिगिनर्स लाइक अस ये है वांकर लिफ्ट जो थी हमारी चॉइस। सो ये है ओबरमगांव का स्की एरिया एंड वो जो स्लोप्स आप देख रहे हैं वो है एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमने भी किया। हमें अपनी बेसिक स्किल्स को रिफ्रेश करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हमने अपनी शुरुआत की एक स्की क्लास से, विच वॉज वेरी हेल्पफुल एंड बिकॉज हम अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर पाए। अब टाइम है वो वाले स्लोप पे जाने के लिए जहाँ पे जाने के लिए हमें लेना पड़ेगा स्की पास। वांकर लिफ्ट का स्की पास लेने के बाद हम लग गए लाइन में टू गो अप द स्लोप। थोड़ी नर्वसनेस तो थी पर इसमें भी हमने अपने लिए एक कोडैक मोमेंट ढूंढ ही लिया। डिपेंडिंग कि आप किस रीजन में स्की कर रहे हैं, इस लिफ्ट को टी बार, ड्रैग लिफ्ट, रोप टो या फिर बटन लिफ्ट भी बोलते हैं। इररिस्पेक्टिव कि आप किस रीजन में स्की कर रहे हैं, इसको यूज करने का तरीका एक ही होता है, ग्रैब इट, शव इट बिटवीन योर लेग्स एंड गो। वेल, देखने में ये जितना सिंपल लगता है, इस पे बैलेंस बनाए रखने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत तो पड़ती है। एनीहाउ, स्लोप के ऊपर पहुंचकर हमने शुरू किया अपना डिसेंट एंड हमने ये किया कई बार एंड वी रियली एंजॉयड इट। आज वेदर वाइज हम लोग बहुत ही लकी रहे, हमें मिला एकदम सनी एंड ब्राइट वेदर, जिसकी वजह से हमारा जो प्रैक्टिस सेशन था हम लोगों ने वो बहुत इंजॉय किया। अभी लंच टाइम तो नहीं हो रहा है बट रन के बाद हमें लग रही है थोड़ी सी भूख। हमें मिला है ये कियोस्क जहाँ पर हम जाके अब लेने वाले हैं कुछ फ्रेंच फ्राइज एंड एक सॉसेज।
ये कियोस्क था तो छोटा सा, बट इस ठंड में भी फ्रेंच फ्राइज की खुशबू ने पूरे स्लोप को भर दिया। इसीलिए हम भी रेजिस्ट नहीं कर पाए एंड इन दी एंड मज़ा आ गया। इस स्मॉल स्नैकिंग के बाद हमने निकाले अपने स्कीज एंड बढ़े हम वापस अपनी कार की तरफ। तो स्कीइंग तो हो गई, अब टाइम है स्कीज को लौटाने का। आज का हमारा स्की का रन हुआ खत्म एंड हम अब रिटर्न करेंगे अपनी स्कीज को इसी रेंटल शॉप पे एंड आपको दिखाएंगे ओबरामगाओ सिटी। ओबरामगाओ है गामिश में एंड इज एट अ हाइट ऑफ 800 meters, इसीलिए यहाँ विंटर्स में आपको हमेशा स्नो देखने को मिल जाएगी। एंड हाँ, यहाँ से आप जुगस्पिट्से भी जा सकते हैं, जो है जर्मनी की हाईएस्ट पीक, जिसका बेस है यहाँ से सिर्फ 30 मिनट्स की दूरी पे। एंड देन देयर इज दिस फेमस डिज्नी कैसल नॉइशवेंस्टाइन, जो कि है अगेन 40 मिनट्स की दूरी पर। एंड द गुड पार्ट इज कि ओबरामगाओ से आपको काफी बस ऑप्शंस मिल जाएंगे टू गो टू दीज डेस्टिनेशंस। स्की के बाद हमारा डे ट्रिप करने का मन नहीं था, तो हमने कवर किया ओबरामगाओ को ऑन फुट एंड एक्सप्लोर किए यहाँ के ओल्ड टाउन के कैफेज, शॉप्स एंड रेस्टोरेंट। एक चीज जो ओबरामगाओ को बहुत पॉपुलर बनाती है वो है यहाँ का पैशन प्ले, जो हर 10 साल में एक बार होता है। एंड इसी पैशन प्ले थिएटर के पास में है सिचुएटेड ये कैफे। Should we go inside? Okay, come on. जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, हमने देखा कि ये इतना बजिंग था एंड वाज फुल ऑफ पीपल। घूमते घूमते हमें मिला ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैफे एंड आई एम ग्लैड कि हम लोग अंदर आ गए। इसका एम्बियंस अंदर से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बिकॉज बाहर बहुत ठंड हो रही थी, मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है ये अमेजिंग पम्पकिन सूप। दिस इज सो नाइस। एपेटाइजर में सूप के बाद अब बारी थी प्रॉपर लंच की। तो ओबरामगाओ में सरप्राइजिंगली बहुत सारे खाने के ऑप्शन हैं। हमें यहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स दिखे, मैक्सिकन दिखा एंड बहुत सारे इटालियन रेस्टोरेंट्स दिखे। अभी हो रहा है लंच टाइम एंड वहाँ पे है एक इटालियन रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग लंच करने के लिए जाने वाले हैं। बाहर के फ्रीजिंग ठंड को काउंटर करने के लिए हमने ऑर्डर किया एक स्पाइसी पेने अराबियाता और उसके साथ एक डिलिशियस मार्गरीटा पिज्जा। गर्मा गर्म खाना इन दिस कोल्ड विंटर, मजा आ गया। लंच के बाद हमने रेज्यूम किया ओबरामगाओ के ब्यूटीफुल हाउसेस को एक्सप्लोर करना। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में ये टिपिकली फ्रेस्को पेंटेड हाउसेस आपको दिख जाएंगे एंड वाकई में ये बहुत सुंदर दिख रहे थे। आप घंटों बिता सकते हैं इन ब्यूटीफुल घरों को देखते हुए एंड इन्हीं घरों में दिखा हमें एक घर जिसमें पूरी हैंसल एंड ग्रेटल की स्टोरी डिपिक्टेड थी बाय वे ऑफ दीज पेंटिंग्स, वेरी एलैबोरेट। घूमते घूमते शाम हो गई एंड हमने सेलेक्ट किया एक डिनर वेन्यू एंड वहां पहुंच गए। तो आज का हमारा स्की प्रैक्टिस रन बहुत ही अमेजिंग था, बट ठंड भी बहुत ज़्यादा थी एंड हमारे इस ठंडे डे को एंड करने के लिए हमें मिला एक परफेक्ट सरप्राइज। ओबरामगाओ में हमें मिला एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए एक हॉट एंड स्पाइसी चिकन डिश, जिसे अब मैं इन्जॉय करने वाला हूँ।
This is so hot and spicy, just perfect for this weather. So till the time we meet again, do take very good care of yourself and see you very, very soon.